नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग टॉनिक। आइए दोस्तों, बूस्ट अप करते हैं हम अपना इम्यून सिस्टम, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। मैं इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले बताना चाहूंगी कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। अगर कोई नहीं भी मिलता, यू कैन एग्जेम्प्ट इट। तो शुरुआत करते हैं गिलोय से। एक ये बहुत ही अच्छा हर्ब है, ये कुछ टहनियाँ इसकी, धनिया पत्ता, एक बीटरूट जिसे हम चुकंदर नाम से जानते हैं वो एक कटा हुआ, एक गाजर कटी हुई, कुछ पत्ते तुलसी के कटे हुए, एक टी बैग ग्रीन टी या आप एक चम्मच ग्रीन टी ले सकते हैं, एक मोटी इलायची, दो हरी इलायची, थोड़ा टुकड़ा दालचीनी का, तीन लौंग, एक तेजपत्ता। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और कुछ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी वायरसेस बैक्टीरिया से लड़ पाए। फिर आपको चाहिए होगा एक इंच टुकड़ा अदरक का कसा हुआ, एक इंच का टुकड़ा कच्ची हल्दी कसी हुई। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप 1/4 ऑफ अ स्पून हल्दी ले सकते हैं नॉर्मल, बट आई रिकमेंड कि ये मिले तो इट्स बेटर। नींबू 1/4 ऑफ अ स्पून, काली मिर्च 1/4 ऑफ अ स्पून, काला नमक 1.5 से 2 चम्मच, हनी। साथ के साथ आपको चाहिए होगा एलोवेरा। मैंने ये एलोवेरा की टहनी ली है, इसे एक कटोरी या एक ग्लास में ऐसे करके रख देना है कुछ देर के लिए, ताकि इसका ये जो सा लिक्विड है ये गोल्डन कलर का, ये हमें नहीं चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये 15 से 20 मिनट बाद जब इसका सारा ये लिक्विड निकल जाएगा, हम इस लिक्विड को फेंक देंगे, फिर अपनी इन टहनियों को धोकर काटकर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बनाते हैं हम अपना टॉनिक। आइए शुरू करते हैं बनाना अपना टॉनिक। पहले हम लेंगे 750 ml पानी। इस पानी में हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले डाले जाएगा इसमें गिलोय, धनिया पत्ता, बीटरूट, गाजर, तुलसी, हमारे ये मसाले जिसमें है मोटी इलायची, छोटी इलायची, हमें नींबू, शहद और ग्रीन टी के अलावा हमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देने हैं। ये कटा हुआ हमारा एलोवेरा भी गया। स्टर देने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट सिम सेक पर रहने देंगे। अभी ये पहले हम बॉईल आने देंगे, एक या दो बॉईल के बाद हम इसे सिम सेक करेंगे। देखिए इसमें बॉईल आ गया है, तो अभी हम इसे सिम सेक पे 10 से 12 मिनट बाद इसको तेज कर देना है और अगले 7 से 8 मिनट सेक पे हम रखेंगे और फिर हमारा टॉनिक का अगला स्टेप आएगा। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 20 से 22 मिनट टोटल सर्व करेंगे 12-13 मिनट पहले, 8 से 10 मिनट बाद में ये कंसिस्टेंसी में आ गया। अब हम ये देखिए तैयार है हमारा टॉनिक, जिसको आप गार्निश कर सकते हैं धनिया के साथ, हनी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से और नींबू ऐड कर सकते हैं। आपको ये दोनों ज़रूर ऐड करना है बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसमें विटामिन सी है जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की हेल्प करता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बट वाइल जब आप ले रहे हैं, और इसे 2 से 3 चम्मच रोज़ लेना है। एंड प्लीज़ इसे बहुत स्टेल करके मत पीजिए, जब भी बनाएं 3 से 4 दिन में ख़त्म कर लें और साथ में आप इसे फ्रिज में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी दोस्त।